अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतना चोट लग गया आपको? अजय बाबू आप ठीक है ना? आपको कुछ हो जाता ना तो हम तो खत्म ही हो जाते। हम बिल्कुल ठीक है। नहीं जी सकते हम आपके बिना, नहीं रह पाएंगे। कुछ नहीं हुआ है हमको, ये राजीव भी अपनी कुओं के बिना नहीं रह पाए, नहीं जी पाए। तुम वहां दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। हम उतार देते हैं। दर्पण में बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीर। दर्द नहीं होगा, धीरे से उतार देते। मांग तुझको गीत तेरे गाय के। बैठ जाइए। तुझसे नैना मिलाई के, तुझसे नैना मिलाई के, तुझसे नैना मिलाई के, तुझसे बहुत दर्द हो रहा है। अभी म-
मलम लगा देते हैं, रुकिए। दर्द कम है? छू अंदर। थैंक यू। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम खाना लगाते हैं। ठीक है। कमरा, इसकी तकदीर बदलनी होगी। बहुत दुख होता है हमें जब हम रिया की ऐसी हालत देखते हैं। अगर रिया और राजीव की शादी हो गई होती तो इस बेचारी की ऐसी दुर्गति ना होती, और फिर हमें भी इस गुहिया को बर्दाश्त ना करना पड़ता। खुशबू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये तो शुक्र मनाओ, रिया राजीव को छोड़ के चली गई थी और कुहू राजीव के जीवन में आ गई। ये राजीव का सौभाग्य है, इस घर के लिए नियामत भी। इस घर का श्राप भी कुहू की वजह से टला है। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना, इस घर में कोई भी ब्याहता जीवित नहीं रहती है, और जिस सिंदूर पे तुम इतना इतरा रही हो ना, वो कुहू की बदौलत है। इसीलिए बेवकूफ औरत, कुहू की कीमत को समझो। अरे रे, विधवा को हमारे सिंदूर से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मौसी। मौसी नहीं, माँ है तुम्हारी। माँ सी, तो आप अपने खुद के बेटे की ना हो सकी। हमने कु माता को नहीं देखा आज तक, खैर आपने उनके भी दर्शन करवा दिए। आप क्यों टेंशन ले रही हो? रहने दीजिए ना। जो ना समझ है उन्हें समझाकर कोई मतलब नहीं। बुआ जी। नहीं चाहिए बेटा। बुआ जी, हम जानते हैं आप जो कुछ भी कह रही हो सही कह रही हो, पर राजीव और कुहू का रिश्ता थम सा क्या है संजीव? उसको आगे बढ़ाना होगा। बुआ जी, हम जानते हैं पति पत्नी के बीच में प्यार ना हो, नजदीकी ना हो, तो वो बेमानी है। जब से रिया आई है उन दोनों के बीच में प्यार और नजदीकियां होना बहुत जरूरी है। एक अजीब से मोड़ पर आकर अटक गया इन दोनों का रिश्ता। कुछ तो करना होगा। बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम कुछ करेंगे। रात को रिया जी कहां जा रही है?
रिया जी, क्या हुआ, क्या हुआ पू? रिया, रिया जी, रुको, शांत हो जाओ, रिलैक्स, पू रिलैक्स, गिर जाएंगे राजीव बाबू। रिया जी, पू शांत हो जाओ, आवाज बिल्कुल मत, बिल्कुल आवाज नहीं, जरा से भी खड़े। रिया, जल्दी से कुछ करना होगा रिया को बचाने के लिए। अरे क्या हुआ रिया? रिया होश में आओ ना, रिया, रिया प्लीज होश में आओ रिया। अरे क्या हुआ, कोई बताएगा हमें? ये यहाँ छत पे कैसे आई, क्या हुआ इसको और ये बेहोश क्यों हो गई? कुहू, वो इस तरफ चल के आ रही थी, हम देखे तो हम उनको बहुत आवाज लगाए, वो रुकी नहीं, चलती जा रही थी, हमको लगा कहीं छत से गिर ना जाए, इसलिए हम बहुत जोर से चीखे, तो भोले बाबा की कृपा था कि राजीव बाबू समय से आ गए। राजीव बाबू काहे नहीं उठ रही है, बेहोश काहे, रिया जी उठिए ना। पहले ये तो पता चले कि ये बेहोश क्यों हुई। रिया, रिया, इस रोज होली पे भी बेहोश हुई थी ये। डॉक्टर साहब, कई सालों की यातना की वजह से इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट पहुंची है, ये स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में चलना उसी का नतीजा है। इस वक्त बहुत गहरे सदमे से गुजर रही है। नींद में चल रही थी? अभी कहा ना डॉक्टर साहब ने, गहरे सदमे के कारण ये। देखिए, आप सभी लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम कि ये क्या कर रही हैं या इनके साथ क्या हो रहा है। इन्हें प्यार और संवेदना की जरूरत है, तभी इनके मन के जख्म भर पाएंगे। आइए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, लेकिन दवा से ज्यादा प्यार इनको ठीक करेगा। लाइए, हम ले आते हैं। जी। हाँ तो ये कु है ना, प्यार ही प्यार भरा है हमारे भीतर, खूब प्यार से भर देंगे इनको, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब।
कहू मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं, राजीव का प्यार चाहिए। तुम अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूं। अच्छा ड्रामा है नींद पे चलने का, अब इसकी आड़ में जितनी चाहे उतनी मनमानी कर लो। रिया को ऐसी हालत में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। राजीव तुम इसको अपने कमरे में शिफ्ट करवा ले। क्या कहा आपने? इसका अकेले रहना ठीक नहीं है तो हमारे अरे हाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है ना। हम रिया जी के साथ उनके कमरे में रह लेंगे, उनके साथ सो भी जाएंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका। इस लड़की के आने से इस परिवार की सुरक्षा पर भी संकट आ गया है। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो आप बेकार ही रिया को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको सुंदर सुंदर पोते पोतियों का मुंह देखना है कि नहीं? मतलब? अरे रे इसका भी मतलब बताना पड़ेगा। इस गुहिया से तो आपको एक चूहिया भी नहीं मिलेगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर राजीव और रिया की शादी हो गई होती तो अभी तक दो चार सुंदर सुंदर बच्चे आपके पीठ पर झूल रहे होते। खैर जो हुआ सो हुआ, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अब रिया आ गई है ना तो आपके अरमान भी पूरे होंगे। रिया अतीत है, राजीव से उसका ब्याह गुजरा हुआ कल, ये जो आई है यहां ये विराज की ब्याहता है। इस मसले से छिड़खानी करना याने पूरे चंदेल परिवार की बर्बादी है। बात को समझा करो। जी के आने से आपका पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है और शायद इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। इस वक्त हमारे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, कोई नहीं। रह गई सदगुण गवाई के।
तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलई के छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलई के पालिया सब कुहू राजी बाबू छाप तिलक सब शुभ रात्रि वैसे कहूँ वो हमें पूरा यकीन है गेस्ट रूम में तुम्हें बड़ी इत्मीनान से नींद आएगी हक कहीं नींद आएगा हमको वो नींद ही क्या जो आपके बिना आ जाए हाँ हमारे बिना आप चैन से सोएंगे इतना तो हम जानते हैं गुड लाइट गुड नाइट लेकिन आप समझ गए समझ गए तुम्हारे बिना को हमको ऐसी चैन की नींद नहीं चाहिए